कितना हसीना चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें, आंखों से छलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुम्हें मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों भिन्नों का घटाना, ठीक है दोस्तों। तो दो परमेय संख्या रहेगी दोस्तों, दो परमेय संख्या को कैसे घटाया जाएगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे दो परमेय संख्या मतलब 2/5 हो जाए दोस्तों, का मैं 4/5 हो जाए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में ही सीखने वाले कि एक परमेय संख्या यह दूसर की परमेय संख्या यह है दोस्तों, मतलब एक भिन्न यह दूसरी भिन्न यह, इसका घटाना कैसे सीखेंगे आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और दोस्तों, जब हर बराबर हो तब दो भिन्नों का घटाना कैसे हल होता है दोस्तों, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। जैसे हर बराबर का मतलब आप समझिए, हर बराबर का मतलब दोस्तों, जैसे यहाँ पर 5 हर है, यहाँ भी 5 है, तो इस टाइप का हमने भिन्न लिया है, उनका घटाना कैसे हल किया जाएगा देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न में पहला दिया है, यहाँ प्रश्न में मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर में 5/2 - 3/2 मतलब इसे हल करना है। अब देख सकते हो दोस्तों, इसका भी हर 2 है, इसका भी हर क्या है 2 है, ठीक है। प्रश्न नंबर बी में दोस्तों 8/3 है, 11/3 है, यहाँ भी इसका भी हर 3 है, इसका भी हर 3 है। प्रश्न नंबर सी में दोस्तों 12/16, 5/16, तो ये भी हर क्या है बराबर है। डी नंबर में प्रश्न नंबर डी में 15/9 - 20/9 दोस्तों, तो इसमें भी हर क्या है दोस्तों बराबर है। तो आज की इस वीडियो में यही सब सीखने वाले हैं दोस्तों कि दो भिन्न है उनको घटाना है और हर क्या है दोस्तों यहाँ पर सभी का बराबर है। तो चलिए देखते हैं कैसे हल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको हल नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ से हल नंबर कौन सा लेंगे दोस्तों, पहला, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर, ठीक है। क्या बोला है दोस्तों, 5/2 - 3/2 दोस्तों, 5/2 में से 3/2 घटाना है आपको। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि इसका हर क्या है, इक्वल है अर्थात बराबर है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रह सकते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब हर क्या है बराबर है दोस्तों, हर क्या है दोस्तों बराबर है, मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसको हम अंश कहते हैं दोस्तों, इसको हम हर कहते हैं, इसको अंश कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, हर कहते हैं। तो दोस्तों, जब हर बराबर होगा तो उस कंडीशन में आपके क्या करना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सिर्फ 1-2 यहाँ पर लिखना है, सिर्फ 1-2 लिखना है मेरे भाई, सिर्फ 1-2 लिखना है आपके। अब दोस्तों, जब हर बराबर है तो यहाँ पर सिर्फ 2 लिखेंगे, जब यहाँ 2 है तो सिर्फ 1-2 लिखेंगे। फिर दोस्तों, ये 5 में से 3 घटा देंगे, घटाना का चिन्ह है, तो 5 - 3 घटा दीजिएगा दोस्तों, 5 में से 3 घटाएंगे 2 होगा दोस्तों, अब बटा में 2 है, याद रखिएगा यह 2/2 है दोस्तों, यहाँ भी 2 है। तो अब यहाँ पर इसका करेंगे सरलतम रूप, क्या करेंगे दोस्तों, सरलतम रूप क्या होता है दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं। सरलतम रूप का मतलब यह होता है दोस्तों कि यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऐसी संख्या आपको लेना है जिससे 2 भी विभाजित हो जाए और ये 2 भी विभाजित हो जाए। तो वह संख्या क्या है दोस्तों, 2 है, 2 से 2 भी विभाजित होगा और 2 भी, ये भी 2 विभाजित होगा, तो 2 से विभाजित करेंगे मतलब ये सब कैंसिल होकर क्या आएगा दोस्तों, सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, यहाँ भी 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, या आप समझ सकते हो कि 2/2 रहेगा तो 1 आएगा, अगर उसी तरह 5/5 रहेगा तो 1 कैंसिल होगा, बराबर क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा, समझिए। उसी तरह 6/6 है दोस्तों, तो यह कैंसिल होकर 1 आएगा, 8/8 है दोस्तों, तो ए इनसे कैंसिल हुआ,
तो एक बचा दोस्तों। अगर उसी तरह ए बटा में ए होगा, ए से कटेगा तो बराबर एक होगा। अगर बी बटा में बी होगा दोस्तों तो ए कटेगा तो बराबर क्या होगा, ए। उसी तरह सी बटा सी होगा दोस्तों, सी से सी कटा तो क्या आएगा दोस्तों, ए। 11 बटा 11 है दोस्तों, 11 से 11 कटा तो क्या आएगा दोस्तों, एक आएगा। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरफ रहेगा तो उसको हम एक लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो प्रश्न नंबर पहला क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट हुआ। अब हम आपके बताएंगे कौन सा प्रश्न नंबर बी वाला, ठीक है। तो प्रश्न नंबर बी क्या कह रहा है, ध्यान से आपके देखना है। यहाँ पर आंसर आपके लिख देना है, आंसर, ठीक है, या क्या आएगा आंसर, ठीक। अब चलिए आते हैं प्रश्न नंबर बी पर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर बी हल करते हैं। तो यहाँ पर आप लगाएंगे क्या, प्रश्न नंबर बी, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर बी क्या दिया, 8/3। अब माइनस 11/3 दिया है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका भी हर क्या है, बराबर है। इसका भी हर क्या है, बराबर है। मैंने अभी ये वाला सवाल हल किया, आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ भी हर बराबर है, तो हम सबसे पहले सिर्फ एक तीन लिखेंगे। यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, तो सिर्फ एक ही तीन लिखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ पर तीन लिखेंगे आप। अब हमें 8 में से 11 घटाना है दोस्तों, तो इसे हम 8 और -11 लिखेंगे। तो यहाँ पर तो ये बात नहीं समझ में आ रही है, ये तो 8 है, 8 में से 11 हमें घटाना नहीं आता है, कैसे घटाया जाए, कोई दिक्कत नहीं। 8 में से आप 11 नहीं घटाए हैं तो आज घटाइएगा, आज घटा के देख लीजिए कैसे आएगा, बताते हैं। 8 में से 11 नहीं घटेगा, कोई दिक्कत नहीं। 11 में से 8 तो घटेगा, हाँ सर घटेगा, 11 में से 8 तो बिल्कुल घटेगा, तो घटाते हैं ना मेरे भाई। तो 11 में से 8 घटा लीजिए, ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या है बड़ी है, मतलब ये अंक देखो, 8 है 11 है ना, तो अब आए छोटा है बड़ा है, तब छोट में से 11 तो घटेगा ना। तो आप क्या करिएगा कि 11 में से 8 घटा लीजिएगा। चलिए घटाते हैं, है देखिए यहाँ से ध्यान से, ये यहाँ से घटाते हैं, आपको घटा के आपको यही बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा 11 में से 8 घटाइए, तो आप घटाएंगे तो हासिल मांगेगा तो 11 होगा, 11 में से 8 घटाते हैं मतलब सिर्फ 3 बचेगा, क्या बचेगा 3। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या बचा, 3। तो यहाँ पर 3 बचा, बटा में क्या होगा 3 है, यह है। 8 में से 11 घटाएंगे मतलब 3, अर्थात 11 में से 8 घटाए 3। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो चिन्ह है, चिन्ह देखेंगे दोस्तों, कौन सा चिन्ह है, किस चिन्ह की संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर माइनस वाली चिन्ह, जो माइनस चिन्ह है, एक संख्या है बड़ी है ना, तो जवन चिन्ह का संख्या बड़ी हुआ वह चिन्ह यहाँ पर आप लगाएंगे। माइनस वाली संख्या बड़ी है ना, तो आप यहाँ का लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। फिर से जैसे 8 में से 11 नहीं घट रहा था, कोई दिक्कत नहीं, तो आपने 11 में से 8 घटाया ना, तो 3 बचा, तो यहाँ पर 3 लिखिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि ये माइनस है, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर कुछ ना तो प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, तो प्लस आई माइनस है, तो ये कौन बढ़ है, कौन चिन्ह का संख्या बढ़ी है, कौन चिन्ह का संख्या बढ़ है, तो आई माइनस वाली संख्या देखिए 11 है, तो ये बढ़ा, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, माइनस। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3/3 आता है, 3 से 3 कैंसिल, बराबर क्या आएगा आंसर, माइनस का 1 आएगा आंसर, क्या आएगा दोस्तों, माइनस का 1। उम्मीद है कि यह सवाल आपके समझ में आया होगा। अब दोस्तों आते हैं सी वाले पे, ठीक है। प्रश्न नंबर सी क्या कह रहा है उसे भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर डालना पड़ता है भाई, नंबर डालेंगे तभी आपके पता चलेगा कि आप कौन सा प्रश्न हल कर रहे हैं, तो नंबर आपको डालना जरूरी है भाई। तो 12/ का दिया है 6 दिया है, -5/ क्या दिया दोस्तों 16 दिया, यहाँ पर 16 है दोस्तों, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16। अभी देखिए चमत्कार होने वाला है दोस्तों, अभी क्या चमत्कार होगा अभी हमको बताते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर ए, प्रश्न नंबर बी, जब इन दोनों प्रश्नों को आपने हल किया तो दोस्तों देखा कि इसका भी हर 3, इसका भी हर 3, इसका भी हर 3, इसका भी हर 3, तो इसको कैसे हल किया जाता था। अब प्रश्न नंबर सी में भी हर क्या है, बराबर है, तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों, जब हर बराबर है तो ये 16, ये भी 16 है, ये भी 16, ये भी 16, तो हम सिर्फ एक 16 लिखेंगे, सिर्फ एक ही 16 लिखेंगे यहाँ पर, याद रखिएगा दोस्तों। अब हमें 12 में से 5 घटाना है, तो जब हर बराबर होगा तो हम अंश में से अंश घटा देंगे, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, ठीक है। तो 12 - का लिखेंगे 5, ठीक है, आप घटा दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 12 में से 5 घटाना है ना, चलो घटाते हैं, यहाँ पर घटा लेते हैं 12 और -5, इस तरह से घटाना आपके आता होगा। ये बेचारा बहुत गरीब है, ये गरीब है, ये दौड़ के पास जाएगा एक के पास,
एक उधार मांगेगा, जब उधार मांगेगा तो एक पास 12 हो जाएगा, दूना अब 12 हो जाएगा, 12 में से 5 निकला 7, तो कितना बचेगा दोस्तों 7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा, चिन्ह हम आपके बताए चिन्ह क्या होते हैं, हम आपके बताए चिन्ह क्या होते हैं, चिन्ह में माइनस आ जाएगा या तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, समझ में आई बातें। तो बताइए कौन सा चिन्ह का संख्या बड़ी है, प्लस वाले का, क्योंकि यहाँ पर छिपा रहता है, लिखते नहीं है, प्लस यहाँ छिपा रहता है, याद रखिएगा दोस्तों, प्लस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर हम प्लस ही लिखेंगे, तो प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या है छिपा है। तो ये आपका क्या रहा दोस्तों, करेक्ट आंसर रहा, उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम हल करते हैं, कौन सा प्रश्न नंबर डी, तो प्रश्न नंबर डी हल करेंगे, तो यहाँ पर नंबर डाल दीजिए भाई, नंबर डालेंगे तभी आपके पता चलता है कि आप कौन सा प्रश्न हल कर रहे हैं। 15/9 माइनस 20/9, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए इसका भी हर क्या है 9 है, इसका भी हर क्या है 9 है, मतलब हर क्या है दोस्तों बराबर है। तो याद रखिएगा दो भिन्नों का घटाना हो, मतलब एक भिन्न में से दूसरे भिन्न को घटाना हो, ठीक है दोस्तों, तो उस समय हम देखेंगे कि उन दोनों भिन्नों का हर बराबर है कि नहीं, जब बराबर होगा तो इसी प्रकार हल करेंगे, जिस प्रकार मैंने यहाँ पर आपको हल करके बताया, ठीक। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 है, तो आप 9 लिखेंगे, ठीक है। तो 15 में से 20 घटाना, तो यहाँ 15 और माइनस क्या लिखेंगे दोस्तों 20 लिखेंगे, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर अब एक बात ना समझ में आ रही है, 15 में से 20 तो नहीं घटेगा, 15 भाई छोटा ठहरा 20 बड़ा ठहरा, तो 15 और में से 20 ना घटेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा मत। अब 20 में से 15 घटाइए, 20 में से 15 घटाइए, घटाएंगे तो 0 है, हासिल मांगेगा इससे, ये 0 इससे हासिल मांगेगा तो 10 होगा, 10 में से 5 निकला 5 होगा, यहाँ पर एक दे दिया तो एक में से एक कट गए, सब खत्म, मतलब 5 बचा, क्या दोस्ता क्या बचा दोस्तों 5, क्या बचा दोस्तों 5 बचा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 5 लिखना है, बटा में 9 लिखना है, लेकिन यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा, मैं आपके बताया चिन्ह कौन कौन होते हैं, प्लस या माइनस, ठीक है, तो कौन सा चिन्ह होगा, तो इसमें आप देखेंगे कि कौन सा चिन्ह का संख्या बड़ा है, यहाँ पर कुछ ना रहता है तो मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर प्लस छिपा रहता है, कुछ भी नहीं रहेगा तो उसको हम प्लस मानेंगे, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस वाले चिन्ह का संख्या बड़ी है कि ये माइनस वाले चिन्ह का संख्या बड़ी है, बताइए बताइए जल्दी से दोस्तों, माइनस चिन्ह वाली संख्या यहाँ पर बड़ी है ना, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे माइनस, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी वही चिन्ह यहाँ पर लगेगा, ठीक है। उम्मीद है कि इस प्रकार का सवाल आपके समझ में आया होगा दोस्तों, तो इसे आप नोट कर सकते हो समझने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का यह प्रश्न आपके जरूर समझ में आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद जय भारत।